युगिष्ठ मरात्री और आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। तो स्टार्ट करें आज के लेक्चर में, कुछ मॉडिफिकेशन मिल रही है आपको क्योंकि जो पहले लेक्चर थे मैं उनमें मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट करता था, पर आज के लेक्चर में मैं मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट नहीं करूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था टैली क्यों यूज की जाती है, उसके जो फाउंडर कौन है और सीईओ कौन है टैली के, उसके बाद टीसीएस क्या होता है, टैली के एडवांटेजेस क्या है, इसकी किस पर्पज से क्या क्या इसमें यूज होता है, वर्क किया जाता है, और साथ में यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के क्या यूज है। तो चलिए आज के लेक्चर पे हम फोकस करते हैं। तो आज के लेक्चर में मॉडिफिकेशन ये है कि लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 5, क्योंकि पहले मैंने मोटिवेशन कोटेशन की जगह आपको स्टडी के मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की कि जिससे आपको और ज्यादा ज्यादा नॉलेज मिले, और बेसिक टू जो आज का लेक्चर होगा और जो प्रीवियस लेक्चर होगा उसके बेस पे ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का लेक्चर पहला टॉपिक है फीचर ऑफ टैली ईआरपी 9। तो मींस कि ईआरपी का मतलब पहले ही कल की स्टडी की थी, कल के लेक्चर में। तो ईआरपी हो गया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो जो हमारा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है कि रिसोर्स को कैसे प्लान किया जाए, तो वो हमारा ईआरपी नाइन जो सॉफ्टवेयर है टैली का, तो उसमें हमारे उसके क्या क्या फीचर हैं। तो पहला है वाउचर एंट्री, हम वाउचर की एंट्री करवा सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर हैज अ यूनिक वाउचर एंट्री सिस्टम। तो इसमें टैली सॉफ्टवेयर में क्या है, यूनिक तरीके से जो वाउचर एंट्री सिस्टम होता है जो हमें जो ट्रांजेक्शन को इजिली बनाता है और इजिली से इसको हम असेस कर सकते हैं, इजिली से एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ लेजर और जो इंटीग्रेशन जुड़े होते हैं लेजर के साथ। उसके बाद इंडिविजुअल बिल ट्रैकिंग भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें रिप्लेस अकाउंटिंग अकाउंटिंग कोड्स, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं जो अकाउंटिंग के कोड्स उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल एडिट एंड बजटिंग, तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे टैली के अंदर जो भी वर्क होते हैं, तो जो हम जो भी डाटा इंटर करते हैं उसको हम कंट्रोल अपने वे से कर सकते हैं, इजिली इसमें इंटर भी कर सकते हैं रिकॉर्ड भी, तो वो उसको हम इजी वे से मेंटेन कर सकते हैं। फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है वहां से। उसके बाद हमारे पास मल्टी करेंसी सपोर्ट करती है, मीन्स उसमें करेंसी के रिलेटेड भी हमारे पास मल्टी ऑप्शन होंगे कि ये नहीं कि ये इंडिया करेंसी का ही वहां पे फंक्शन होगा, तो सारे वहां पे होंगे, तो हम उसको अपने वे से कस्टमाइज वे से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इन जनरल वे शॉर्ट वे में कहा जाए तो उसको हम अपने वे से भी कस्टमाइज वे से यूज कर सकते हैं। फिर ये था हमारा फीचर ऑफ टैली ईआरपी 9 के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ईआरपी, ईआरपी होता क्या है। तो ईआरपी पहले भी हम उसकी जो जो उसकी फुल फॉर्म थी हम पढ़ चुके हैं, क्या ईआरपी हो गया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो एक क्या है रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, तो जो किस काम के लिए यूज होता है, तो इसमें क्या है हमारे पास ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, तो सेल मैनेजमेंट करनी हो हमें, मटेरियल मैनेज करना हो, पेरोल बनाना हो, तो इन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं थ्रू किससे, जो भी वर्क करते हैं थ्रू हम ईआरपी 9 से करते हैं, ईआरपी 9 से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है जो ये हमारा ये हमारी हेल्प करता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये बिजनेस को इजी बनाता है जिससे हम पूरा डे टू डे जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में हम उसको असेस भी कर सकते हैं बजटिंग को प्लान करने के लिए, और उसके लिए हम उसको पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ईआरपी 9। उसके बाद मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के मेथड क्या है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में आके हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल हमारे कभी भी जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम जो भी एंट्री कर रहे हैं वो सिंगल होगी, उसका डबल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो रिकॉर्ड में क्या होगा, हमें जो हमारा डाटा होगा वो हमारा इनकम्प्लीट कहा जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम होगा तो वैलिड होगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, इट्स एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट जो क्या होती है, रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट होती है। अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेबिटर एंड क्रेडिटर आर द मेंटेन। तो इसके अंदर सिर्फ क्या किया जाता है,
कैशबुक होती है और पर्सनल अकाउंट के जो डेवलपर क्रिएटर की मेंटेन की जाती है जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन पर्सनल अकाउंट्स सच एज सेल अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स एंड असर्ट्स अकाउंट्स आर इग्नोर। तो इसमें क्या है कि जो इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं सच एज सेल अकाउंट्स, तो परचेज अकाउंट्स एंड असर्ट्स अकाउंट जो है इसको इग्नोर किया, वो उसमें इंटर नहीं किया। सिर्फ ओनली क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपने पहले ही आप अकाउंट को मैंने पढ़ा लिया कि आपके जो प्रीवियस लेक्चर में कि अकाउंट होता क्या, अकाउंट की टाइप्स क्या थी, तो पर्सनल इनपर्सनल, तो उसमें रियल अकाउंट वगैरह जो इतनी टाइप थी तो आपको पहले ही पता है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें कि हमारी इनकम्प्लीट होती है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही ये लेता है, उसमें इनपर्सनल अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन जो है इंटर नहीं की जाती, उसको इग्नोर कर देता है। तो इसमें क्या है, एज द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज इग्नोर। जो हमारी दो फोल्ड में जो ट्रांजेक्शन होनी होती है, मीन्स एक एंट्री उसके द्वारा एंट्री, दो फोल्ड में जो हमारा डाटा रहता है वो उसमें क्या है, इग्नोर किया जाता है। वी कैनॉट इव रिपेयर द ट्राई बैलेंस, इससे हम क्या है कि ट्राई बैलेंस नहीं बना सकते हैं। तो आपको पहले ही पता है कि ट्राई बैलेंस हमारे किसके लिए हेल्प होता है और इसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है। दिस सिस्टम इनकम्प्लीट एंड फाइनल रिजल्ट और इनएक्यूरेट। तो इससे क्या है, सिस्टम इनकम्प्लीट से फाइनल रिजल्ट हम क्या करते हैं, हमारा फाइनल रिजल्ट इनएक्यूरेट रहता है। क्या रहता है फिर कि दिस सिस्टम इज फॉरवर्ड बाय स्मॉल टेंडर्स हु ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड। तो ये सिस्टम हमारा सिंगल सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा सिर्फ स्मॉल टेंडर मतलब जो ट्रेडर्स हैं, मीन्स बिजनेस होल्डर हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए ही यूज होगा, कि बड़े जो बिजनेस होल्डर हैं उनके लिए ये बिजनेस के लिए ये जो सिस्टम है ये यूज नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं फिर, हमारे पास मल्टी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जैसे पहला हमारा होगा सिंगल में, सिंगल हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है जिस कारण हमें ये हम इससे ट्राई बैलेंस को हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। तो हम डबल एंट्री पे आए, तो डबल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मीन्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अमाउंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स। तो कहने का मतलब कि इसमें हमारी पूरी जो भी अकाउंट्स के रिलेटेड होगा, पूरी जो इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर कीप की जाएगी, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें पूरी डिटेल, जिससे हम प्रॉपर ट्राई बैलेंस बना सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन द अमाउंट इंटर एज अ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट इंटर एज अ क्रेडिट। तो पूरा उसमें डेबिट और क्रेडिट का भी मेंशन दिया है, जिससे हम पूरा आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा जो डाटा है उसकी विद द हेल्प ऑफ से हम क्या बना सकते हैं, ट्राई बैलेंस बना सकते हैं, जिससे हम पूरे बिजनेस की फाइनेंस पोजिशन को भी जान सकते हैं। तो ये था हमारा कि जो डबल सिस्टम होगा इन वे का है कि उसको डबल एंट्री होगी, डाटा को डबल वे से किया जाएगा, इंटर किया जाएगा, पर जहाँ सिंगल एंट्री में होगा डाटा हमारा सिंगल वे था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा उसमें, इसमें हमारे पास पर्सनल भी होगा, इनपर्सनल रिकॉर्ड भी होगा डबल एंट्री में, मीन्स की पर्सनल अकाउंट भी होगा, इनपर्सनल अकाउंट भी, इसमें सारे अकाउंट होंगे। उसमें क्या किया जाता है, इनपर्सनल अकाउंट को इग्नोर किया जाता सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये था हमारा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, मेथड कौन कौन से मेथड से हमारी अकाउंटिंग की जाती है, सिंगल से और डबल से। पर सिंगल जो एंट्री सिस्टम है वो सिर्फ ओनली किधर लिमिटेड रहता है, किसमें, छोटे छोटे ट्रेडर्स मीन से छोटे छोटे बिजनेस होल्डर हैं उन्हीं को, वही उसको यूज करते हैं। जो लार्ज बिजनेस होल्डर है मीन से जो काफी ज्यादा बड़े स्केल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम इनवैलिड का मीन से यूज नहीं हो पाएगा, तो डबल एंट्री सिस्टम का ही वो यूज करते हैं। ये मेथड थे अकाउंटिंग के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बजटिंग सिस्टम। तो बजटिंग सिस्टम होता क्या है, बजटिंग सिस्टम क्या है कि हमें किसी चीज़ को बजट बनाना होता है, तो बजट के लिए बनाने के लिए हम किन कंडीशनों को देख के बनाते हैं, कि फाइनली हम क्या कहते हैं, हर बार जाते हैं हमारा बजट पेश होता है तो वो क्या देखते हैं कि फाइनली हमारे जो अस्वस्थ अर्थ जो मीन्स की हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, कहा जाए उसमें खाने पीने बैठने जो हर एक चीज है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है कहाँ से कैसे, हमारे जो लॉसेज हो रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहे हैं, तो किन में उन सब इंक्रीज डिक्रीमेंट बारी एक्टिविटी जो भी होती है, वैल्यू प्रोपोजिशन मीन से जो वैल्यू प्रोपोजिशन, जो हमारे पास अलग अलग टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है उन्हीं को जो मेजर करके हम पूरा बनाते हैं, कि जिस कारण हम बजट को मेंटेन कर पाए। तो बजट में क्या होगा, तो बजटिंग के हमारे क्या है कॉमन टाइप, फोर टाइप जो मेथड है मीन से जो क्या यूज किए जाते हैं बजटिंग टाइप्स, जो कौन कौन सी हैं, उसमें एक है इंक्रीमेंटल, हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, अगर कोई भी हम यूज करते हैं मतलब हमने कोई एक किसी चीज में कोई वेल इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें देखते हैं कि ईयर में की कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट मिली हमें, तो उसी अकॉर्डिंग उसको हम फिर उसके बेस से उसको और बढ़ावा देने के लिए हम उस चीज को बजट
उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। फिर एक्टिविटी बेस, तो हमने उसके एक्टिविटी बेस है, कितनी एक्टिविटी बेस में हमारे वो कंडीशन रही, कितनी इसमें इंप्रूवमेंट रही, तो वो देखते हैं किसी चीज एक्टिविटी करने से हमें कितना बेनिफिट बना, कितना लॉस मिला। पहले पोजीशन पे वैल्यू के हिसाब से कितनी उसकी कंडीशन रही, उसका जीरो बेस पे हमने लिया अगर, तो जीरो पहले कुछ भी नहीं था, तो उस कंडीशन का बजट सीट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या रहते हैं, चार जो बेसिक कॉमन टाइप्स रहती है जो बजट को मेंटेन करने के लिए कंपनी यूज करती है, इन चार मेथड्स को। ये जो हमारे चार मेथड्स में से ही हमारे एडवांटेजेस भी और चैलेंजेस भी आती हैं। मतलब ये हमारे पर अगर ये हम इसको इसका हमें बेनिफिट मिलता है तो एडवांटेजेस बन जाती है, और अगर इसका हम इसको प्रॉपर यूज ना हो पाए, जहाँ इसका प्रॉपर वे से हमारी जो बजटिंग सिस्टम मेंटेन नहीं कर पाए, जब उसको प्रोवाइड नहीं करें हम कि इस चीज को कितना बजट चाहिए, तो उसके कारण ये हमारे लिए चैलेंज भी बन जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, आज के लेक्चर में हमने कवर किया पहले नंबर टैली के फीचर्स, उसके ईआरपी 9 क्या होता है, ईआरपी 9 का हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद क्या हो गया मेथड, किसके अकाउंटिंग के मेथड जो सिंगल और डबल एंट्री, उसके बाद हमने किया बजटिंग सिस्टम की जो टाइप्स है, जो हम कंपनी में जो बजट सिस्टम को मेंटेन करने की किन चीजों को ध्यान दिया जाता है, इसका हम बजट से हमें वही हमारे लिए एडवांटेजेस भी बनती है और चैलेंज भी बन जाती है। तो चलिए हम आप आगे चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे आंसर की अभी नहीं मिलेगी, जब आप वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी आपके पास पहुंच जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे फाइनली पहले लेक्चर का स्टडी करोगे, लेक्चर का स्टडी करने के बाद आफ्टर जो आप लास्ट में इस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको रीड करोगे, फिर उनको रीड करने के बाद जो भी आपके माइंड में आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर को राइट करके दोगे। फिर फाइनली मैं जब आपको फाइनली सबके कमेंट बॉक्स कमेंट्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव का कौन क्या आंसर है, तो वो आपके आंसर के बाद फिर मैं फाइनली आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा। तो पहले देख लेते हैं पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन बेस्ड ऑन ड्यूल एसेप्ट्स कंसेप्ट इज कॉल्ड। तो हमारा क्या है कि सिस्टम को सिस्टम है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन का बेस ऑन ड्यूल एसेप्ट के कंसेप्ट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा। तो ये रिसेंटली हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको आई थिंक खुद ही समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, द एक्सेस ऑफ असर्ट्स ओवर लायबिलिटी इज, तो एक्सेस अगर हमारे पास असर्ट्स हो तो ओवर लायबिलिटी क्या होगी। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश विल अफेक्ट, तो अगर परचेज गुड्स करते हैं तो कैश विल अफेक्ट, कैश में क्या अफेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डेबिट बैलेंस, तो हमारे इसमें क्या है कि हमारे जो फॉलोइंग अकाउंट्स है उसमें एक्सपेक्टेड क्या एक्सेप्ट की जाती है कि हमारा जो डेबिट है बैलेंस में क्या रहेगा, असर्ट्स रहेंगे एक्सपेंसिव रहेंगे लॉस रहेंगे, तो जो भी रहेगा तो आपने इसमें आंसर देना है। उसके बाद द बेसिक पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, तो बेसिक पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का, मींस के प्रिपेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे पांच ऑब्जेक्टिव, और जो इनके अकॉर्डिंग जो भी अपना रिस्पॉन्स है अब कमेंट बॉक्स में प्लीज दें, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको पहले रीड कर लें, तभी जाके आप इनका प्रॉपर वे से आंसर देखो, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स हो गए उतना अच्छा आपको लेक्चर आगे प्रोवाइड मिलने वाला है, मीन्स आपको प्रोवाइड करवा सकूंगा। अदरवाइज इतनी क्वालिटी इतना टाइम अपना मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तब जाके भी अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे तो उसका मेरे जो हार्डवर्क का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, आपके लिए यूजलेस रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाए, मीन्स के उस लेक्चर को पहले स्टडी करें फिर आंसर दें, और फिर आपके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।